नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि टीचर बनने के लिए क्या करें, टीचर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स आपके लिए लाभदायक है। तो आइए जानिए इस वीडियो में विस्तार से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। अगर आपका सपना है टीचर बनना और आप बहुत कम समय में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। सबसे जो पॉपुलर कोर्स है वह है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। यह बहुत लोकप्रिय कोर्स है। 2015 के पहले यह कोर्स 1 साल का होता था, लेकिन 2015 के बाद यह 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है, लेकिन 2019 से यह कोर्स 4 साल का हो जाएगा। इस कोर्स को करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद आपको इस कोर्स को करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है, या प्राइवेट कॉलेज में नामांकन कराना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस पास करना ज़रूरी होता है। बीएड कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है कि एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यह कोर्स महानगरों में ज़्यादा प्रचलित है। यह भी 2 वर्ष का होता है। यह कोर्स में प्रवेश 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया जाता है। एनटीटी कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तीसरा जो सबसे लोकप्रिय कोर्स है वह है बीपीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें रोजगार के काफ़ी नए अवसर शिक्षकों को मिलते रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में शिक्षक बनने के लिए 2 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल पर फिजिकल एजुकेशन एक विषय के रूप में पढ़ा है तो आप 1 वर्ष वाला बीपीएड कोर्स कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने 12वीं में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, वे 3 साल का स्नातक कोर्स कर सकते हैं। इसके एंट्रेंस टेस्ट में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के साथ लिखित परीक्षा भी देनी होती है। एंट्रेंस टेस्ट पास होने के बाद इंटरव्यू भी पास करना ज़रूरी होता है। चौथा है जेबीटी, जूनियर टीचर ट्रेनिंग। जूनियर टीचर ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश मेरिट के आधार पर तो कहीं प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। यह कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। उसके बाद है कि डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। यह 2 वर्ष का कोर्स होता है। इस कोर्स में 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन होता है। कोर्स को करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा भी अनेक टीचर ट्रेनिंग कोर्स संचालित किए जाते हैं, जो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कोर्सों को करने से पहले आप पूरी तरह से सोच समझ लें, और कोर्स चयन करते समय आप अपने रुचि और योग्यता को जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ पर मैंने जो जानकारी दिया है यह टीचर बनने के लिए कोर्स है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।